देवा गुजर हत्याकांड के मास्टरमाइंड भैरू गुजर की बेगू जेल में एंट्री। सामने आया ये खौफनाक सच, आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। देवा गुजर हत्याकांड मामले के मास्टरमाइंड भैरू गुजर की गिरफ्तारी के बाद 3 दिन के रिमांड पर आज कोर्ट में पेश कर जेल भेजा। आखिरकार बहुचर्चित देवा गुजर हत्याकांड के मास्टरमाइंड 25वें आरोपी भैरू गुजर की आज बेगू जेल में एंट्री हो गई है। बहुचर्चित देवा गुजर हत्याकांड के मास्टरमाइंड भैरू गुजर की आज बेगू जेल में एंट्री हो गई, जहां वो सलाखों के पीछे अपनी गुनाहों की सजा भुगत रहा है। कोटा SIT टीम ने भैरू गुजर को आज रावत भाटा कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने भैरू गुजर को जेल भेजने का आदेश दिया। इसके पहले भैरू गुजर अन्य 24 आरोपी साथी जिन्होंने मिलकर देवा गुजर की हत्या की थी, वह पहले से ही बेगू जेल सलाखों के पीछे अपने गुनाहों की सजा काट रहे हैं। आज की जानकारी के अनुसार SIT टीम ने भैरू गुजर को रावत भाटा न्यायालय में पेश किया। इसके पहले भैरू गुजर 3 दिन के रिमांड पर चल रहा था। SIT के अधिकारियों के अनुसार पूछताछ में भैरू गुजर ने कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। भैरू गुजर ने RAPP प्लांट में चल रहे वसूली के खेल की कहानी जब SIT टीम को बयान की तो एक बार तो SIT टीम के होश ही उड़ गए। भैरू गुजर ने बताया कि बाबू गुजर और देवा गुजर का पैसों के लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था, जिसकी वजह से बाबू गुजर ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। वहीं कोटा SIT टीम ने भैरू गुजर से वारदात में प्रयुक्त हथियारों को भी बरामद कर लिया। देवा गुजर हत्याकांड के सभी आरोपी एक एक कर पुलिस के हाथों सड़ चुके हैं, लेकिन इस घटना का मास्टरमाइंड भैरू गुजर हत्याकांड के बाद से भी लगातार फरार चल रहा था, जिसकी तलाश में कोटा SIT की टीमें मुकुंदरा के जंगलों की जांच में जुटी हुई थी। इसी बीच कोटा ग्रामीण एक मुखबिर के जरिए सूचना मिली, जिस सूचना पर उन्होंने मंडाना SSO को सूचना दी। घेराबंदी कर भैरू गुजर को मंडाना थाना इलाके के मुकुंदरा के जंगलों से गिरफ्तार किया, जिसे लेकर आज SIT टीम ने रावत भाटा कोर्ट में पहुंची, जहां से उसे कोर्ट से जेल भेज दिया गया। आज दोपहर कमलदास सारण की पुलिस सुरक्षा के बीच भैरू गुजर को लेकर कोर्ट से बेगू जेल के लिए रवाना हुए। आखिरकार भैरू गुजर जेल की सलाखों के पीछे? पल पल की न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर कर दें।